तो स्वागत है एक नए वीडियो में और ये वीडियो भी शुरू हो रहा है लिफ्ट से। तो आज मैं जा रहा हूँ जयपुर। जयपुर जाऊंगा मैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से। टोटल 4 घंटे लगते हैं। चलिए चलते हैं और देखते हैं कि लगता है कि नहीं। तो गाड़ी आ गई अपनी, आज हम जाएंगे इनोवा हाइब्रिड से और सनलाइट भी आ चुकी है सामने, देखो। तो भाई टाइम हो गया है 7:17 हो गए, 7 बजे निकलना था, थोड़ा सा लेट हो गए। मौसम बढ़िया लग रहा है। टोटल 312 किलोमीटर दिखा रहा है, डिपेंड करता है जयपुर में कहाँ जा रहे हो। और जिसमें रहता है 4 घंटे दिखा रहा है, 4 घंटे लगते कि नहीं चलो देखते हैं। और थोड़ा ले लिया हमने, थोड़ा मस्त लगता है उसे देखने में। लबगढ़ पहुँच गए और ये पुल के ऊपर से बाइकें जा रही हैं। आप ये देखो, ये पुल बनाया गया है क्योंकि ये वाला जो हाईवे है इसको कर दिया गया है नॉन स्टॉप हाईवे। घंटे के अंदर हम लोग वल्लभगढ़ आ गए। अनाज मंडी है, देखो अनाज पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, देखो काम चालू हुआ है, गेहूं पड़ा है। तो भाई 8:26 हो गया है और हम लोग दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे बस चढ़ने ही जा रहे हैं। फरीदाबाद से कट लेते ही अंदर घुस गए। और भैया एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि एक्सप्रेसवे पे गाड़ी तेज़ नहीं चलानी। आप सामने ट्रक देखो, आप क्या हाल हो रखा है इसका। और हमें जाना है आगे, ये रहा एक्सप्रेसवे। आगे आपको दिखाता हूँ मैं कितना टाइम लगेगा हमें। यहाँ पर आप देखो खेतों में आई थिंक धान लगा हुआ है, गेहूँ है, पूरा एकदम कंट्री साइड दिख रहा है मस्त। ये हरियाणा है बाय द वे, है ना। अभी हम लोग हरियाणा में हैं, नोएडा से निकले दिल्ली, दिल्ली से निकले हरियाणा, और हरियाणा से निकलेंगे हम लोग जाएंगे राजस्थान। तो चल दिए हैं हम दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेस पे, जैसे मैं आपको दिखा रहा था। अलवर होते हुए अभी हम केएमपी पे हैं। केएमपी से चढ़ेंगे, किस पे चढ़ेंगे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस या दिल्ली वडोदरा। ये देखो क्या मस्त खेत दिख रहे हैं। तो भाई ये गेहूं है, धान तो चावल को बोलते हैं जैसे मैंने बताया था आपको। सही लग रहा है, कटा नहीं है, यही किसान काट के कंपनियों को बेच देता है और कुछ खुद यूज करता है। सही लग रहा है भाई। एक कंफ्यूजन हो रही थी कि हम लोग अभी एक्चुअली वो वाले एक्सप्रेसवे पे चढ़े ही नहीं है। ये है हरियाणा वाला जो आगे केएमपी को कनेक्ट करता है और उसके बाद हम लोग चलेंगे दिल्ली मुंबई वाले पे, लेकिन बनाया उसी ने, नहीं नेशनल हाईवे अथॉरिटी वालों ने। ये देख भाई, हम लोग रास्ते में थे, हमें शेर मिल गया, ये देख रहे आप, शेर है भाई। हाँ तो जो मैं आपको बता रहा था ये देखिए, अब लेफ्ट लेके दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेस में आएगा अलवर होते हुए। देख रहा हूँ वडोदरा का साइन लगा हुआ, ये दिल्ली निकल गया इधर और इधर से वडोदरा वाले भाई। 8 लेन है, 4 इस तरफ है, और अगर वैसे काउंट करोगे तो एक लेफ्ट में भी एक लेन है। और भाई ये नंबर याद रखना 1033, तो इमरजेंसी में अगर आपको डायल करना हो। और 4 उस तरफ है लेन, वैसे तो 6 लेन होना चाहिए, 6 6 12, लेकिन मान लो 5 लेन है। तो भाई ज़्यादा तेज चलाते चलाते ये मत भूल जाना कि लिमिट 120 की है भैया। आप पता चला है टेस्ट कर रहे हो और चलान कट गया, ये नंबर याद रखना 1033 इमरजेंसी। अलवर मुंबई और हम जाएंगे दौसा होते हुए जयपुर। मस्त लग रहा है इस हाईवे पे चलते चलते, ऐसा फील आता है कि मानो कोई बाहर की कंट्री का हाईवे है। रोड ट्रिप का असली मजा है यार इस हाईवे पे।
लेकिन स्पीड लिमिट का ध्यान रखिएगा भैया, 120 किलोमीटर है। काफी चौड़ा लग रहा है ये रास्ते भी। पेट्रोल पंप भी है भाई यहाँ पे, क्योंकि अगर आप हाईवे पे चढ़ोगे, अभी मैं आपको वो भी पेट्रोल पंप दिखाऊंगा जो कि हरियाणा का लास्ट पेट्रोल पंप है, क्योंकि रेट पेट्रोल के अलग अलग होते हैं। भाई रेस्ट एरिया बना हुआ है और मैकडॉनल्ड्स भी है यहाँ पर। तो मैंने आपको बताया कि धीरे धीरे सब बनता चला जाएगा यहाँ पर, और आने वाले टाइम में आपको जितने हाईवे दिखते थे होटल किंग और वो सारे जितने हैं वो सब यहाँ पर आ जाएंगे भाई, सब मिलेंगे आपको कोने कोने में। अभी तो नहीं बना है, आ जाएगा। और अभी कितना डिस्टेंस दिखा रहा बॉम्बे का देखें यार, लगभग 1100 किलोमीटर तो होगा वहाँ। वाला कट गया भरतपुर के लिए, तो अगर आप भरतपुर जाना चाहते हो, केलादेव नेशनल पार्क जैसे बहुत लोग जाते हैं बर्ड फोटोग्राफी के लिए, तो आप नीचे वाला कट ले लीजिएगा यहाँ से। तो हम लोग हाईवे पे थे, गाड़ियों की बात कर रहे थे, और सामने से ये इटिगा लगी हमें दूर से देखने में। आप भी देखो इटिगा लग रही, लेकिन इटिगा नहीं है बल्कि सीएनजी भी है। देखो ये टोयोटा की गाड़ी है भाई, टोयोटा वालों भी इर्टिगा बनाते हैं, लेकिन नाम अलग है, पढ़ लो नाम, आर से है कुछ, बताओ। तो भाई रास्ते में हम लोग चल रहे थे और हमारे ड्राइवर साहब की निगाहें एकदम चील जैसी है, उन्होंने दूर से देख लिया कि इंटरसेप्टर लगा हुआ है, गाड़ी लगी है कैमरे वाली, वो स्पीड चेक करती है और हमने पकड़ लिया। और हम तो वैसे ही भी अपनी सही स्पीड में चलते हैं, बट आप लोग भी ध्यान से देखा ना, मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पे, दिल्ली वाले हाईवे पे, यहाँ पर बीच बीच में इंटरसेप्टर लगा रखा है। यहाँ पर भी बना रखा है पेट्रोल पंप और एक रेस्ट एरिया है, देसी तड़का नाम से है रेस्टोरेंट। तो भाई अलवर वाला कट आ गया, जो लोग अलवर जाना चाहते हैं वो इधर से कट ले, और भरतपुर का भी इधर ही दिखा रहा था, तो आई थिंक इधर से अंदर से रास्ता होगा शायद। वैसे तो भरतपुर का पहले कट दिखा था जो हमें दिखा था इस हाईवे पे। रास्ते में ना ये बहुत अच्छे और कलरफुल डहेलिया वाले फ्लावर्स हैं, ये पूरे हाईवे पे कहीं कहीं पैच में है, कहीं कहीं नहीं भी है। पीछे आपको अरावली माउंटेन्स भी दिख रहे होंगे। हाईवे पे अगर आपको रुकना हो तो आप यहाँ पर जरूर रुकिएगा, रेस्ट एरिया बना है बहुत बढ़िया। जैसे लेफ्ट में देख रहे हो आप बना हुआ है, वैसे ही राइट में भी बना हुआ है पॉजिटिव। तो मूलचंद जी और कितने देखो विरासत, बांसुरी वाला नाम से रेस्टोरेंट, बाकी कुछ कुछ धीरे धीरे आएगा आई थिंक अभी, और इसके आगे फिर एक पेट्रोल पंप है। तो भाई ये वाला जो हाईवे है, ये आगरा भी यहाँ से जा सकते हो आप, 154 किलोमीटर दिखा रहे हैं। गाड़ी के शीशे पे यार इतने ढेर सारे मच्छर आ गए हैं, पूरा शीशा गंदा हो गया है। ये रास्ते में ये पहाड़ के टिल्ले पे ये क्या बना हुआ है, कुछ तो जयपुर है 101 किलोमीटर, ये भी दौसा का दिखा नहीं रहा है, दौसा का आगे दिखा। भाई रास्ते में हमें राजस्थान टूरिज्म की बस मिली थी और एक और बस दिख रही है, ये भी जयपुर ही जा रही है। तो भाई ये वाले हाईवे पे अगर आपको आगरा की ओर निकलना है तो ये कट आगे आ रहा है, लेकिन आगरा यहाँ से दूर है। अगर आप नोएडा से जा रहे हो तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप यमुना एक्सप्रेस पे लो। अगर आप भरतपुर की तरफ जा रहे हो तो ही आप इस वाले हाईवे पे आना, या जयपुर जा रहे हो। ये कट है आगरा वाला जो मैंने अभी आपको बताया, अभी राइट को ये रहा जयपुर वाला कट। तो भाई नीचे उतर गए हम लोग, दौसा वाला कट नहीं, इस बार जयपुर वाला कट लिया है हमने डायरेक्ट, और ये दौसा रोड ही होगी मेरे हिसाब से। भाई दौसा वाले रोड पे आ गए, इस बार समझ में नहीं आया कि हर बार हाईवे पे दौसा दौसा लिखा रहता था, इस बार समझ में नहीं आया, दौसा नहीं लिखा था, डायरेक्ट जयपुर लिखा था। लगता है कि दौसा को ज्यादा भाव नहीं देना चाहते क्या। और भाई राजस्थान आते ही ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ऐसे बेचारे, इसको देखो यार। रास्ते में ये मूर्तिकार वालों की बहुत दुकानें आती हैं, अभी आपको दिखाता हूँ। ये भाई दौसा सिटी लेफ्ट में और जयपुर सीधे, पहला वाला ये कट है। तो भाई दौसा का टोल आ गया और ये राजा धोक
टोल प्लाजा है। बेसिकली यहाँ के जो राजा थे उन्होंने जयपुर जाते वक्त भोग चढ़ाई थी सब उनसे, इसलिए इसका नाम है। और जो है 34 किलोमीटर दूर बाकी है, लेकिन टाइम तो वाला दिखा रहा है 57 मिनट। आप सोचो 34 किलोमीटर की कितने टाइम होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट होना चाहिए, लेकिन जयपुर के अंदर का जो ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा है। और ये मूर्तियों की मैं आपको बता रहा था, ये देखो दिख रहा है आपको रास्ते में दो साथ चलते हैं, पहुँचते हैं फिर बताते हैं टोटल कितना टाइम लगा। ये बस 10 मिनट में पहुंच जाएंगे जयपुर। मोदी जी स्वागत कर रहे हैं, वाह वाह वाह, सामने पहाड़ अरावली वाले टनल आएगी, टनल दिखाते हैं। बस पहुंचने वाले हैं हनुमान जी की जय हो, और बगल में शिव जी भी है। जयपुर 5 किलोमीटर, और जयपुर पहुंचने से पहले जो टनल आने वाली है उससे पहले आपको एक चीज़ और बता दूँ, पहाड़ दिख रहा है आपको, पहाड़ के ऊपर वो देखो मंदिर बना रखा है। पहाड़ की चौड़ाई देखो आप जरा, बीच में भी भाई जयपुर की एंट्री होने जा रही है, और ये टनल आ गई है। जैसे कि हिमाचल में भी टनल बहुत सी है, वैसे जयपुर में बहुत सी टनल। तो भाई टनल से निकलते ही आखिरी टोल पड़ता है ये रहा, बस निकल चलेंगे। तो भाई जो टोल अभी आपको मैंने दिखाया उसमें हमारे बिल्कुल पैसे नहीं लगे, वो सिर्फ येलो नंबर प्लेट वाली कमर्शियल गाड़ियों के लिए है। और अब हम जयपुर पहुँच ही गए, और आई होप आपको ये वीडियो ओवरऑल जो आपने पूरा देखा वो आपको पसंद आया होगा। हालांकि मैंने इस एक्सप्रेसवे के और भी वीडियोस बनाए हैं, तो जो ओवरऑल टाइम लगता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि लगभग मैं 7:15 बजे निकला था और अभी 11:15 हो रहा है, तो 7:45, 4 घंटे के अंदर हम लोग जयपुर पहुँच गए। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, नॉन स्टॉप आए, अगर आप रास्ते में रुकते हैं पेट्रोल डलाते हैं तो आपको 4.5 या 5 घंटे लग सकते हैं, ना डिपेंडिंग अपॉन आप कितनी स्पीड में जा रहे हैं। और अब जयपुर पहुंच गए, अब होटल का व्लॉग देखिएगा आप, बाय।